अमरकटक। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का एक छोटा सा पंचायत, लगभग 5 किलोमीटर में पूरा अमरकटक बसा है। लेकिन यह जगह जितनी छोटी है इसकी खूबसूरती उतनी ही ज्यादा है। अमरकटक में नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। मौकाल की पहाड़ियों पर बसे अमरकटक में सतपुड़ा और विंध्य की पर्वतमालाएं आकर मिलती हैं। अमरकटक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, साथ ही ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहां जाते समय रास्ते की मनमोहक हरियाली देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी बिल्कुल घने जंगल ही नजर आएंगे। आप जंगलों के बीच से होकर ही अमरकटक पहुंचेंगे। इन शांत घने जंगलों को देखकर आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा। अमरकटक की यात्रा की शुरुआत आप यहां की सबसे खूबसूरत और पवित्र स्थल नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से कर सकते हैं। ये एक विशाल मंदिर परिसर है जिसकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। यहां के झक सफेद रंग में रंगे मंदिर सफेद चादर से ओढ़े हुए लगते हैं। नर्मदा उद्गम स्थल परिसर में बहुत छोटे बड़े मंदिर हैं। बीच में एक बहुत ही विशाल सरोवर है जिसका पानी साफ है। यहां के पानी में आप स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां का जल आप घर लेकर जा सकते हैं। यहां का पानी इतना साफ है कि मंदिर की पूरी परछाई इसमें दिखाई देती है। यह अलौकिक नजारा बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है हाथी की यह मूर्ति। माना जाता है कि इसके नीचे से गुजरना शुभ होता है, इसलिए यहां आने वाले पर्यटक इसके नीचे से होकर निकलने की कोशिश जरूर करते हैं। मुख्य मंदिर परिसर में तो स्नान करना मना है, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर दो कुंड बने हैं। इस कुंड में पानी मंदिर परिसर के अंदर से ही आता है और यहां से निकलकर नदी के रूप में बहता है। इस बाहर वाले कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। माना जाता है यहां स्नान करने के बाद ही मंदिर परिसर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के कुछ ही दूर पर कलचूरी राजाओं के द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों को 10वीं से 12वीं सदी के बीच बनवाया गया था। बलुआ पत्थर के बने ये मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। यहां कोई एंट्री फीस तो नहीं है, लेकिन अगर आप कैमरा लेकर जा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करके कैमरे का टोकन लेना होगा। इस परिसर में कई मंदिरों का समूह है, जिनमें पातालेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, जोहिला मंदिर, कर्ण मंदिर और पंचमठ है। कहते हैं कि पातालेश्वर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना 8वीं सदी में शंकराचार्य ने की थी। जब शंकराचार्य भारत भ्रमण के दौरान यहां आए थे, इसके बाद शासकों ने यहां भव्य मंदिर बनवा दिया। पातालेश्वर मंदिर की फर्श करीब 1.5 मीटर नीचे है, शायद इसलिए ये पातालेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर परिसर अंदर से बेहद खूबसूरत है। यहां भी आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा।
तो नर्मदा नदी उद्गम स्थल घूमने के बाद आप यहां जरूर आएं। यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जब सोनमूंग की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको ये षड्यंत्र मंदिर दिखेगा। इसकी खूबसूरती आपको दूर से ही आकर्षित करेगी। सोनमूंग जाने वाले अधिकांश पर्यटक यहां जरूर रुकते हैं, लेकिन पास जाकर आपको पता चलेगा कि यह कई साल से बंद पड़ा है। इसकी वजह यह है कि अभी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। बहरहाल यहां से आप सोनमूंग की तरफ बढ़िए। षड्यंत्र मंदिर से सोनमूड़ा तक का पूरा रास्ता बिल्कुल हरा भरा और बेहद खूबसूरत है। आपको अपने दोनों ही ओर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देंगे जो आपका मन मोह लेंगे। सोनमूंग को सोनमूड़ा भी कहते हैं। यहीं से सोन नदी निकली है। सोनमूड़ा पहुंचते ही आपका सामना होगा इनसे। अगर आप चौकन्ने नहीं हैं तो ये बंदर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मसलन इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक पर्यटक की गाड़ी खड़ी है जिसके पिछली सीट का शीशा खुला है और ये महाशय अंदर घुस गए। सोनमूड़ा के प्रवेश द्वार पर आपको ढेर सारे बंदर और लंगूर दिखाई देंगे। यहां पर्यटक इन बंदरों और लंगूरों को चने खिलाते हैं। सोनमूड़ा से आपको बहुत दूर दूर तक घने जंगल और पहाड़ियां दिखाई देंगी। यहां पर आकर आप बहुत तेज हवाओं का अनुभव करेंगे। कुल मिलाकर यहां का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। अगर आप यहां सवेरे आते हैं तो यहां से सूर्योदय की बेहद खूबसूरत छवि आपको देखने को मिलेगी। यहां आपको किसी हिल स्टेशन का सा ही अनुभव होगा। कह सकते हैं कि यहां पर अमरकटक की खूबसूरती सबसे ज्यादा है। इसके बाद आप मां की बगिया जा सकते हैं। यहां भी आपको भरपूर हरियाली मिलेगी। ये बगिया माता नर्मदा को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो यहां फूल तोड़ने आती थी। अमरकटक के जंगलों में बहुत से औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल स्थानीय लोग दवाओं के लिए करते हैं। यहाँ के बहुत से दुकानदार आयुर्वेदिक दवाएं बेचते हैं। यहां से निकलकर आप सर्वोदय जैन मंदिर जा सकते हैं। हालांकि ये मंदिर अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जब पूरा होगा तो कितना खूबसूरत होगा। इस मंदिर की हर दीवार और हर खंभे पर बेहद शानदार नक्काशी की जा रही है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे बनाने में सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पत्थरों पर किया जा रहा है। सर्वोदय जैन मंदिर के बाद आप कपिलधारा जा सकते हैं। कपिलधारा लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। ये पानी और इसकी आवाज आपका मन मोह लेगी। कपिलधारा से थोड़ा आगे दूध धारा झरना है। इसका नाम दूध झरना इसलिए है क्योंकि यहां का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। इन खूबसूरत झरनों को देखने के बाद आप पास के ही कबीर चबूतरा देखने जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संत कबीर यहां आए थे और इसी चबूतरे पर बैठकर लोगों को प्रवचन देते थे। पास में ही एक बड़ा बरगद का पेड़ है। इसकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। बस इतना जान लीजिए कि स्थानीय लोगों की कई पीढ़ियां
इस पेड़ को ऐसे ही देखती आ रही है। अमरकटक की सबसे घनी जगह यही है। अमरकटक तो आपने घूम लिया, अब आपको बताते हैं कि अमरकटक पहुंचना कैसे है। अमरकटक का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट 300 किलोमीटर दूर जबलपुर का है, तो आप जबलपुर तक बाय फ्लाइट जा सकते हैं और यहां से आपको बाया रोड अमरकटक आना होगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो पेंड्रा रेलवे स्टेशन अमरकटक से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और यदि आप रोड से आते हैं तो अमरकटक पूरे देश से बाय रोड जुड़ा हुआ है। यहां से आपको रेगुलर बस की सेवाएं मिलती है। अमरकटक में बहुत सी धर्मशालाएं हैं और एक गुरुद्वारा भी है। साथ ही यहां बहुत सारे होटल और सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से जहां चाहें वहां रुक सकते हैं।